स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बात करेंगे आपसे चैप्टर नंबर 7 बायोएनर्जेटिक्स के ऊपर। बायो एनर्जेटिक्स, जिंदगी को एनर्जी कैसे मिलती है। आज का टॉपिक एटीपी द सेल्स एनर्जी करेंसी होगा। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं ये आपको टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली रिस्पेक्ट दूंगा एक मॉलिक्यूल को और उसके स्ट्रक्चर को, और मुख्तलिफ टर्म्स जो हैं वो हम यूज करते हैं इस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को लेकर, वो मैं आपको बताऊंगा। स्टूडेंट्स, एटीपी का बेसिकली मतलब जो एब्रीविएशन है वो है एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब बेसिकली एडीनोसिन क्या है और ट्राइफॉस्फेट क्या है, इसके ऊपर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। अगर मैं बात करूं कि एटीपी का मॉलिक्यूल बनाने के लिए क्या चीजें चाहिए, मतलब क्या मॉलिक्यूल्स चाहिए। एटीपी का कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, इसको बनाने के लिए पहले सिंपल मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होते हैं। हमें चाहिए नाइट्रोजीनियस बेस, हमें चाहिए शुगर, और हमें चाहिए फॉस्फेट रेडिकल्स। ठीक है, फॉस्फेट रेडिकल्स का जो है वो ये फॉर्मूला है, ये रेडिकल्स हैं, आयंस हैं। तो अब ये जो नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं, ये तीन किस्म की हैं, एडेनिन, चार किस्म की हैं, एडेनिन, गुआनिन, थायामिन और साइटोसिन, और एक आरएनए में बेस होती है यूरेसिल। आपकी जो बुक में एटीपी के अंदर जो बेस काम आती है वो एडेनिन होती है, यानी कि जो हमने नाइट्रोजनस बेस जिसका भी जिक्र करना है एटीपी बनाने के लिए वो एडेनिन है। और जो शुगर हमने यूज करनी है दैट इज राइबोज। अब राइबोज में अगर ऑक्सीजन हो, विथ ऑक्सीजन हो, तो हम इसे कहते हैं राइबोज। अगर इस शुगर में ऑक्सीजन ना हो, मतलब एक ऑक्सीजन कम कर दिया जाए विदाउट ऑक्सीजन, या कह लें विदाउट वन ऑक्सीजन एटम, तो फिर हम इसी का नाम रख देते हैं डीऑक्सीराइबोज। तो हमने जो इस्तेमाल करनी है शुगर वो राइबोज है, डीऑक्सीराइबोज इस्तेमाल नहीं करनी। डीऑक्सीराइबोज डीएनए बनाने के काम आती है, राइबोज एटीपी बनाने के काम आती है, या फिर आरएनए बनाने के काम आती है। आप सोच रहे होंगे कि आरएनए डीएनए बीच में कहां से आ गए, तो याद रखिएगा कि जो एटीपी बनाने के लिए स्ट्रक्चर काम आता है वो आरएनए डीएनए बनाने के लिए भी काम आता है। पर अभी फिलहाल हम एटीपी ही बात करेंगे, एटीपी पे ही बात करेंगे। तो यहां पर अब मैं आपके सामने एक बेस बनाता हूं, इस बेस का नाम है एडेनिन, राइट। इस तरह आपने बनानी है, मैं आपको रेज करके दोबारा बनाना सिखा देता हूं। आपने ये छह कोने बनाने हैं, ठीक है, इस तरह घर नहीं बनाते, जिस तरह ये घर का बन गया ना स्ट्रक्चर, तो नीचे से आपने इसको क्लोज कर देना है। और इसके ये वाले दो कोने हैं, यहां से आपने फिर एक और बनाना है घर लाइक दिस, ठीक है, ऐसे। लेकिन आप इसको ऐसे क्लोज कर सकते हैं ना, आप इसको ऐसे क्लोज नहीं करेंगे, इसको सीधा आगे क्लोज कर देंगे लाइक दिस। तो ये हमारे पास बेस बन गई एडेनिन। अब इसके साथ आपने यहां से एक शुगर अटैच कर देनी है जिसका नाम है राइबोज, लाइक दिस। अब मैं आपको राइबोज बनाना सिखाता हूं। राइबोज में क्या करना है, आपने फिर एक मरतबा घर का स्ट्रक्चर बनाना है, और आपने अब सीधी लाइनें नहीं बनानी, अब आपने सीधी लाइनें नहीं बनानी, थोड़ी सी टिल्ड कर देनी है, थोड़ी सी मोड़ देनी है लाइक दिस, ठीक है, और फिर इसको नीचे से ज्वाइन कर देना, और यहां थोड़ा सा गैप डाल के आपने ऑक्सीजन लगा देना। अब ये बन गई है, ये बनी थी एडेनिन, अब ये बनी है राइबोज। अब साथ आपने यहां पे एक बॉन्ड बनाना है यहां से इस कोने से, और यहां पे आपने रिंग बनाना है एक रिंग, राइट। साथ ही आप दूसरा रिंग भी बना सकते हैं, साथ ही आप तीसरा रिंग भी बना सकते हैं। एंड आई होप कि आपको दो रिंग नजर आ रहे हैं, तीसरा रिंग नजर नहीं आ रहा, तो मैं कैमरा थोड़ा सा कर लेता हूं। ओके, So, यहां पर अब ये जो हमारे पास तीन रिंग है, ये फॉस्फेट है, ये भी फॉस्फेट है, ये भी फॉस्फेट है। अब यहां से आपने इन दो फॉस्फेट के दरमियान जो बॉन्ड सीधा बनता है, आपको पता है कोवलेंट बॉन्ड सीधी लाइन से बनता है, लेकिन यहां पे आपने ये वाला जो बॉन्ड है तो ये कोवलेंट ही, लेकिन आपने अलिफ मद्दा की तरह ये बॉन्ड बनाना है। अब ये बॉन्ड आप बनाएंगे तो फिर ये बनाएगा बेसिकली, ये कहलाएगा हाई एनर्जी बॉन्ड, ये कहलाएगा
एनर्जी बॉन्ड, क्योंकि इसमें होती है ज्यादा एनर्जी। अब स्टूडेंट्स याद रखो कि अगर हम राइबोस को यानी शुगर को, यू यू कैन कॉल इट एज अ शुगर, और ये जो एडेनिन है जो कि क्या है, नाइट्रोजीनियस बेस, नाइट्रोजीनियस बेस, इन दोनों को मिलाएंगे तो इन दोनों को मिलाने से एक मतलब दो मॉलिक्यूल्स का एक मॉलिक्यूल बनेगा, इसे हम कहेंगे एडिनोसिन, एडिनोसिन। और जब आप इसके साथ एक फॉस्फेट लगा देंगे तो ये बनेगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट। और जब आप इसके साथ एक और फॉस्फेट लगा देंगे तो ये बन जाएगा, डेफिनेटली मोनो तो नहीं रहेगा ना, एडिनोसिन के साथ दो फॉस्फेट लग गए तो आप इसको बोलेंगे डाइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट। और अगर आप इसके साथ ये वाला भी फॉस्फेट लगा देंगे, कितने फॉस्फेट लग गए, तीन फॉस्फेट लग गए, आप बोलेंगे ट्राइफॉस्फेट। यानी कहना मैं ये चाह रहा हूं कि एटीपी ट्राइफॉस्फेट है एडिनोसिन के साथ, एडीपी डाइफॉस्फेट है एडिनोसिन के साथ, और एएमपी मोनोफॉस्फेट है एडिनोसिन के साथ। यानी इसके साथ अगर हम सिर्फ एक फॉस्फेट लगाएंगे इसका नाम एटीपी नहीं होगा, एएमपी होगा। और अगर इसके साथ हम एक और फॉस्फेट लगाएंगे इसका नाम एडीपी होगा, डाइफॉस्फेट। और इसके साथ अगर हम दो की बजाय कितने फॉस्फेट लगा देंगे, तीन फॉस्फेट लगा देंगे तो फिर इसका नाम होगा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो ये शुगर, ये बेस और ये तीन फॉस्फेट, एटीपी। लेकिन अगर आप बात करते हैं कि सर अभी आप डीएनए आरएनए की बात कर रहे थे तो ये क्या होगा, तो इसको अगर आप फॉस्फेट एक ही लगाओ ना तो फिर ये जो एक स्ट्रक्चर बनेगा इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। लेकिन अगर इन शुगर और फॉस्फेट, शुगर और बेस की बात करोगे तो ये कहलाएगा न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। आई होप आपको नजर नहीं आ रहा होगा, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है जी। तो न्यूक्लियोसाइड क्या है, शुगर प्लस नाइट्रोजीनियस बेस, समझ रहे हो, जिसको हमने एडिनोसिन बोला है। तो ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोसाइड। और तीनों मिला लोगे, तीनों स्ट्रक्चर्स मिला लोगे तो न्यूक्लियोटाइड। तो लिहाजा अगर बेशक फॉस्फेट और भी मिला लो तो रहेगा तो न्यूक्लियोटाइड ही ना, दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो एटीपी क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है, एटीपी क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है। शुगर और नाइट्रोजीनियस बेस क्या है, एक न्यूक्लियोसाइड है। तो लिहाजा ये आपको पता होना चाहिए, आपकी बुक में इन्होंने पहले इस तरह ही आपको तंग करने की पूरी कोशिश की है और आपको ये स्ट्रक्चर जो है बनाकर उन्होंने दिखाया है, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको इजी कर दिया और आपके लिए एडिनोसिन डाई फॉस्फेट ट्राई फॉस्फेट और मोनोफॉस्फेट समझा के। कार्ल रोहमन ने एटीपी 1929 में जो है वो डिस्कवर की थी। अभी जब आप इस वीडियो पे आप थंबनेल देखा होगा कार्ल रोहमन का, और इसके अलावा फ्रिट्स लिपमैन, इसको भी नोबेल प्राइज मिला था, और इसने बेसिकली ये बताया था, मतलब कार्ल रोहमन ने एटीपी का स्ट्रक्चर बना के दिखाया और फ्रिट्स लिपमैन ने ये बताया कि तो एनर्जी मॉलिक्यूल है। आखिरी बात करने लगा, ध्यान से सुने, ये जो टिंटेड बॉन्ड था बेसिकली ये है पंडोरा सारी बात का। ये जब बॉन्ड टूटता है तो बहुत सी एनर्जी निकलती है, और फिर वो एनर्जी हीट की शक्ल में और मुख्तलिफ काम करने की शक्ल में, मुख्तलिफ दूसरे मॉलिक्यूल बनाने की शक्ल में काम आती है। अगर कभी कभी एटीपी ना हो ज्यादा तो फिर एडीपी, ये स्ट्रक्चर ये तो खत्म हो गया ना, चला गया। अभी एडीपी ये भी एनर्जी मॉलिक्यूल है, क्योंकि अभी आपको एक कोई टिंटेड बॉन्ड नजर आ रहा है, तो फिर ये एनर्जी फिर निकलती है और फिर एडीपी एएमपी में कन्वर्ट हो जाता है। यानी एडीपी किस में टूटा, एडीपी में, और एडीपी एएमपी में। लेकिन ज्यादातर एटीपी एडीपी में टूटता है, यानी कि ये मॉलिक्यूल इसमें टूटता है और दोबारा ये बन जाता है। यानी एनर्जी यूज हुई दोबारा रिस्टोर होगी, यूज हुई रिस्टोर होगी, यह है बायो एनर्जेटिक्स। तो ये बेसिकली कह लें कि ये जो मॉलिक्यूल है ये है एक मैजिक मॉलिक्यूल, जिसको कार्ल लोहमन ने पहले बनाया था, बना के दिखाया था, और बाद में फ्रिट्ज लिपमैन ने बताया था ये तो एनर्जी मॉलिक्यूल है, दैट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो लिहाजा लेक्चर तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बाद में दूंगा, आपकी बुक से रेलिवेंट, लेकिन ये वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया कि व्हाट द हेल एटीपी इज। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, दूसरों का ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, इस वीडियो को एक दफ़ा और देख लीजिएगा,
और इसको डाउनलोड करके मत देखिएगा, डायरेक्ट ऑनलाइन ही देखिएगा क्योंकि ऑनलाइन का ही फायदा होगा। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स हैं, सारी किताब के हमने एक्सप्लेनेशंस दी हुई हैं। इसके अलावा आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो, वो भी हमने दिए हुए हैं। और इसके अलावा आप कुछ अच्छा मशवरा देना चाहो तो कमेंट्स में आप अच्छा मशवरा भी दे सकते हो। दैट्स, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।